हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप गाइस यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 जो 2V है गाइस उसके न्यू प्राइस के बारे में जानेंगे। प्लस दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बाइक का स्कीम यानी कि फाइनेंस स्कीम के बारे में भी बताने वाला हूँ कि फाइनेंस कैसे कराते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग फीस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और यहाँ पे आप लोगों को कैसा इंटरेस्ट, कैसी ईएमआई जो होती है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। गाइस जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे ही अप्रैल मंथ आता है, जैसे आपको पता ही होगा कि जो मार्च क्लोजिंग होता है अकाउंट पे, जैसे ही अप्रैल मंथ आता है गाइस तो हर एक जो व्हीकल ब्रांड होता है, चाहे वो व्हीकल ब्रांड हो चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, थोड़ा थोड़ा जो प्राइस है वो अपने व्हीकल में वो लोग इंक्रीज करते हैं। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि 162V में कितना प्राइस बढ़ा है। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के बारे में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आरटीआर 162V के डुअल डिस्क वाले के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप सिंगल डिस्क वाली देखेंगे तो लगभग 3000 रुपीज का जो प्राइस है वो कम होता है डुअल डिस्क वाले से, ठीक है, इतना ही फर्क होता है। बात करते दोस्तों प्राइस के बारे में, इस बाइक का अब एक्सोरूम प्राइस आ रहा है 1,07,000 रुपीज, 1,07,000 रुपए के आसपास का एक्सोरूम प्राइस आ रहा है, ठीक है। और बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो ऑन रोड प्राइस लगभग 1,25,000, 1,25,000 के आसपास कि आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अप्रैल मंथ में इस बाइक का लगभग 1500 के आसपास का प्राइस बढ़ा है। जी हाँ, 1500 रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो कंपनी की तरफ से इंक्रीज किया गया है। और देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं BS6 जितने भी व्हीकल उनका जो प्राइस है ना भाई वो आसमान छू रहा है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि प्राइस इन बाइक का इंक्रीज हो चुका है। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके भी ये बात जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इस बाइक के फाइनेंस स्कीम के बारे में, क्या क्या फाइनेंस में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपका खुद का घर है तो आपको घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और अगर आपका खुद का घर नहीं है गाइस तो आप लोगों को रेंट एग्रीमेंट देना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल आईडी प्रूफ देना है, ठीक है, आईडी प्रूफ मतलब जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को 6 मंथ का स्टेटमेंट देना होगा आपके बैंक का, पासबुक का, जिसमें आपकी जो भी सैलरी आती है जिसमें आपके आप इनकम प्रूफ दिखा रहे हो। अगर आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं, जो कि हम टैक्स पटाते हैं, अगर आपके पास वो है 3 से 4 लाख रुपए का तो आपके लिए और अच्छी बात है, आपको स्कीम भी बेटर मिलेगी। लेकिन अगर नहीं है तो 6 मंथ का आपको वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोगों को यहाँ पे 2 फोटो लगेगी, आप लोगों की साइन प्लस आप लोगों के यहाँ पे 2 से 3 चेक यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस बाइक के फाइनेंस स्कीम के बारे में। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने DP लेकर रखी है 35,000। जी हाँ, 35,000 DP लेकर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई और DP पे कैलकुलेशन करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके इंस्टा में भी बता सकते हो और मुझे यहाँ पे भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। इस बाइक का दोस्तों जैसे मैंने आपको क्लियर किया, टोटल प्राइस है 1,25,000, 1,25,000 रुपये इस बाइक का टोटल प्राइस है गाइस, ठीक है। अब डीपी हम लोगों ने ले ली 35,000 रुपए, कितनी 35,000 यानी कि 35,000 रुपीस। तो बचा हुआ जो आपका अमाउंट है गाइस वो जाएगा 90,000, 90,000 रुपए जो आपका टोटल अमाउंट है वो फाइनेंस होगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो भी आप फाइनेंस कंपनी से कोई भी चीज फाइनेंस करा रहे हो तो इसमें प्रोसेसिंग फीस भी लगती है और ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी लगता है, जिसे हिंदी में हम ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस में मान लीजिए आप इसमें लगभग कम से कम 3,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लगेगा, जो कि आप मान लीजिए बहुत सारी चीजें रहती है, स्टैम्प रहता है और उनका मतलब जो भी होता है उनका प्रोसेसिंग फीस होता है, इसके नाम से यहाँ पे जोड़ा जाता है, लगभग 3,000 रुपए के आसपास की आपको ये बाइक में लग जाएगा। अब आपका जो टोटल अमाउंट है गाइस वो हो जाएगा 93,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है मतलब 10%, 11%, 12% ऐसा इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने 11% से कैलकुलेशन किया हुआ है गाइस, ठीक है। अब 11% से आप कैलकुलेशन करोगे 93,000 रुपए का इंटरेस्ट निकालोगे तो 10,230 रुपए, 10,230 रुपीज इसका इंटरेस्ट आएगा 12 मंथ का, यानी कि 1 साल का, ध्यान रखिए ये 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब 1 साल का इंटरेस्ट आ गया आपका 10,230 रुपए। मान लीजिए अगर आप बाइक को 12 मंथ के लिए फाइनेंस करा रहे हो, ठीक है, 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, तो आपका जो टोटल अमाउंट है 93,000 रुपीज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, 93,000 प्लस 10,230 रुपीज, तो यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा 1,10,230
₹30। तो चलिए दोस्तों अब ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ईएमआई कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को सबसे पहले एक साल के बारे में बताता हूँ कि एक साल के लिए अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो एक साल में आपको कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा, कितनी रुपीज़ का, ठीक है। आपका जो टोटल अमाउंट है, जैसे आपको पता है वो है 93,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया गाइस। उसमें आप प्लस कर दीजिए 10,230 रुपीज़, जो कि आपका एक साल का इंटरेस्ट है। आपका टोटल रुपीज़ हो जाएगा 1,03,230 रुपये। आपका टोटल अमाउंट हो गया जो कि आपको ईएमआई पे कन्वर्ट होगा, जो कि आपको एक साल में पे करना है, ठीक है। सिंपली आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे, ऑब्वियसली एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो लगभग आएगी 8,600 रुपीज़। जी हाँ, 8,600 रुपये के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको 12 मंथ तक पे करनी पड़ेगी। वही दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो, जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट है, जी हाँ यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें ना तो मुझे लगता है ज़्यादा ईएमआई बनती है, पर इसमें आपको ना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। 93,000 रुपीस आपका टोटल अमाउंट है। अब इसमें आप 2 साल का इंटरेस्ट प्लस करोगे, ठीक है, 10,230 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट था, तो आप इसे इंटू 2 कर दीजिए, तो 20,460 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। जब उसे मेन अमाउंट से प्लस कर दोगे तो 1,13,460 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। आप इसे 24 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी गाइस वो आएगी लगभग 4,727 रुपये। जी हाँ, 4,727 रुपीज़ आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आप ध्यान रखिए आपको कितने साल तक पे करनी है, 2 ईयर्स तक आपको पे करनी है 24 मंथ। बात करते हैं 3 इयर्स के बारे में कि अगर आप 3 इयर्स के लिए फाइनेंस कराते हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, ठीक है। 93,000 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट है। अब 10,230 रुपये को आप इंटू कर दीजिए 3 से, जी हाँ इंटू से जब आप 3 कर देंगे आपका 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 30,690 रुपीज़, 30,690 रुपये। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराओगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो आप 3 साल के लिए ना ही कराओ तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जब आप ईएमआई पे कन्वर्ट करोगे तो आप 93,000 प्लस 30,602 आपका जो टोटल जाएगा वो आ जाएगा 1,23,690 रुपए। 6 मंथ होते हैं, तो आप इसकी 3,005 रुपीस के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ईएमआई ऑप्शन सबसे बेटर है। मैं जानता हूँ भाई बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब यार ज्यादा आपकी इनकम नहीं होती, मैं समझ, लेकिन मैं कहूँ कि अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 2 साल में क्या होता है कि आपको ईएमआई उतनी ज्यादा भी नहीं रहती और मेरे हिसाब से आपको जो ब्याज होता है वो भी काफी कम हो जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्कीम है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।